तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मतलब कई सालों से मस्जिद पर मतलब लाउड स्पीकर होता है, और लाउड स्पीकर के बारे में क्या करना है उसके बारे में मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म ने दूसरे धर्म का आदर करने की आवश्यकता है, और यहाँ के मुस्लिम पूरे हिंदू थे, बाद में वो मुस्लिम बन गए हैं, वो कोई बाहर का कौम नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को समझकर मतलब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरह नवरात्र उत्सव होता है, गणेश उत्सव होता है, तब भी लाउड स्पीकर चलते रहता है, हमारे बाबा साहब की जयंती होती है, शिव जयंती होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझना चाहिए, और मस्जिद के लाउड स्पीकर निकालने की राज ठाकरे की भूमिका का हम विरोध करते हैं। राज ठाकरे को अगर मंदिर पर भोंगे लगाने हैं तो लगा सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार का परमिशन न लेकर, लेकिन मस्जिद के भोंगे निकालने के राज ठाकरे की भूमिका का हम कठोर विरोध करते हैं, और ऐसा अगर होता है तो रिपब्लिकन पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी।